हेलो दोस्तों, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है और आप उसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं और आपके सामने विंडोज़ इंस्टॉल करते टाइम आपके सामने इस तरह का एरर आ रहा है जिसमें लिखा आता है विंडोज़ सेटअप कुड नॉट कॉन्फ़िगर विंडोज़ टू रन ऑन दिस कंप्यूटर्स हार्डवेयर्स, तो इस तरह का जो एरर आ रहा है उसको आप कैसे सॉल्व करें, उस तरह के एरर को कैसे फिक्स करें, कंप्लीटली वीडियो देखें। इस वीडियो में पूरी नॉलेज दूंगा कैसे ये प्रॉब्लम आती है और क्यों आती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो एरर आ रही है किसी हार्डवेयर की प्रॉब्लम की वजह से आ रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उस एरर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वापस हमारा कंप्यूटर रिबूट होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, CMD कमांड लाइन मोड ओपन करना होगा। तो उसको ओपन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें शिफ्ट के साथ F10 वाली की दबानी है, शिफ्ट के साथ F10 की। तो यहाँ पे ये एरर आ गई है और आपको यहाँ पे क्या करना है, दोबारा ये एरर आ गई है, पहले वो आ रही थी जिसमें बताता हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर प्रॉब्लम बता रहा और यहाँ पे बोल रहा है सिस्टम को रिस्टार्ट करने की। तो हमें ये रिस्टार्ट नहीं करना है, हमें शिफ्ट के साथ F10 दबाना है। तो यहाँ हमने शिफ्ट के साथ F10 दबाया जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इस तरह का कमांड लाइन मोड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह का कमांड लाइन मोड ओपन हो गया है। अब इसमें क्या करना है, हमें जहाँ पे यूज़र पॉलिसी होती है वहाँ पे जाके इसमें कुछ हमें वहाँ जाके इसमें यूज़र AXE बनानी होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें कमांड से उस यूज़र पॉलिसी में जाना होगा। ऐसे तो हम जा नहीं सकते, इस मोड को कहते हैं कमांड लाइन मोड, तो इसके थ्रू जाना होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है CD, ये होता है किसी फाइल में जाने के लिए। CD करके बैकस्लैश लगा देते हैं और यहाँ पे आपको एंटर करेंगे तो आप कमांड लाइन मोड में जा चुके हैं। तो जैसे CD लिख के हम कमांड मोड में आ चुके हैं। अब यहाँ पे लिखना है CD, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं, कोई कोई कंप्यूटर या फाइल्स डायरेक्ट उस फाइल में एंटर कर देती है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कमांड लगाने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम हो सकता है कि हम उस डायरेक्ट उस फाइल में चले जाएं, ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो एक बार हम ये ट्राई करेंगे कि भैया इस डायरेक्ट मेथड से हम एक बार में कर लें, नहीं होगा तो फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगा। तो अभी मैं ये लगा रहा हूँ कमांड डायरेक्ट एक साथ, जो हमें स्टेप बाय स्टेप लगानी है, CD X.\Windows/System32/, और यहाँ पे लिखना है हमें OOBEOB। ये लिखने के बाद हमें एंटर कर देना है। जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पे देखते हैं ये कमांड एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो हम उस मोड में चले जाएंगे जहाँ पे हमें AXE सेट करनी है, और नहीं करा तो हमें वन बाय वन ये जो कमांड है वो हमें चलानी होगी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने एंटर करा यहाँ पे, इसने बोला द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो ये कमांड है इसने नहीं ली है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ CD विंडोज़, तो जैसे एंटर करा तो ये विंडोज़ वाले फोल्डर में आ चुका है जहाँ पे मुझे जाना है। अब मुझे System32 वाले फोल्डर में जाना है, तो मुझे लिखना है System32। तो यहाँ पे मैं विंडोज़ वाले फोल्डर में आ चुका हूँ, अब यहाँ मुझे थर्ड कमांड चलानी है। तो जैसे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, सेम टू सेम वैसे आपको कमांड चलानी है। अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो जो आपका ये मेथड है वो प्रॉपर नहीं वर्क करेगा। इस मेथड को वर्क करने के लिए आपको ध्यान से देखना होगा और ध्यान से स्टेप फॉलो करने होंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ CD System32। तो हम विंडोज़ वाले फोल्डर में आ गए हैं और अब हमने कमांड लिख दी है CD System32। अब उसके बाद हमें एंटर करना है। तो हम अब विंडोज़ System32 बिट वाले फोल्डर में आ चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट फोल्डर में जाना है, तो लिखना है CD OB, जो हमने ऊपर कमांड बताई थी सेम टू सेम वो वाली। जैसे एंटर करेंगे तो हम OB वाली कमांड में भी आ जाएंगे, और जैसे OB वाली कमांड चलेगी वहाँ पे तो ये जो है हमें एक नए मोड पे ले जाएगी। यहाँ लिखना है OB, OB वाली कमांड में आने के बाद हमें लिखना है MSOB। MSOB वाली में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है उसी तरीके से हमें कंप्यूटर का यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ सेट करने वाले मोड में ले जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो यहाँ माइक्रो सेकेंड के प्रोसेस लगता है और यहाँ पे इस तरह का मोड आ जाता है जहाँ पे हमें
अपने कंप्यूटर का नाम सेट करना होता है। तो जैसे ये मोड आपके पास आ जाए तो आप समझ लेना कि जो आपका कंप्यूटर है वो कमांड सक्सेसफुली उसने ले लिया है, वो exe उसने ऑटोमेटिक बना ली है जो हमने कमांड चलाई थी जिसके थ्रू, तो वो कमांड ऑटोमेटिक वर्क कर गई है जिस तरह से हमने करा। अब यहाँ पे हमारा नाम हमने डाल दिया है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ले रहा है, मैं इसको आर्क्स में लेटर कर देता हूँ। इसके बाद जैसे कि आप सबको आगे का प्रोसेस पता ही है, अब यहाँ पे मैं टाइम सेट कर लेता हूँ इंडिया के अकॉर्डिंग, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे चेन्नई मुंबई कोलकाता वाला, तो यहाँ पे मैं टाइम सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को टाइम 5:30 वाला चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली वाला ले लिया मैंने। अब मैं नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ नेक्स्ट हम जब करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट मैं इसको स्किप कर दूंगा बिकॉज़ यहाँ पे जो टाइम है ये ज़्यादा लेने वाला है क्योंकि हमने वो एक से डायरेक्ट बनाई है, तो यहाँ पे ये कंप्यूटर कॉन्फ़िगर करता है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि आप वीडियो स्किप कर दूंगा ताकि आप ज़्यादा वेट नहीं करें और आप जो डायरेक्टली चाह रहे हैं वो आपको पूरा समझ में आ जाए, तो मैं वीडियो स्किप करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है और अब हमारी वेलकम्स लिखा हुआ आ गया है जहाँ कंप्यूटर स्टार्ट होता है, और उसके बाद यहाँ पे सामने कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम डेस्कटॉप स्क्रीन होगी, तो डेस्कटॉप स्क्रीन इस तरह से आ गई हमारे सामने। अब नॉर्मली हम कंप्यूटर में कोई सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जिसकी आवश्यकता हमें है, तो इस तरीके से आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो जिस तरीके मैं आप यहाँ बैकग्राउंड आइकन्स ला रहा हूँ डेस्कटॉप पे, तो देखिए सिंपली सब कुछ काम अच्छे से हो गया जो मैंने इसमें आपको प्रोसेस बताया। अगर इस प्रोसेस में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है या कुछ नहीं हो पा रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे ही कुछ और वीडियोस मैंने बनाई है जो विंडोज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो दोस्तों उसे देख के आप और भी आपकी जो विंडोज़ इंस्टॉलेशन करते हैं टाइम आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो मैंने जिस तरह की इस तरह की वीडियोस बनाई हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे चैनल में को आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ भी आप मेरे चैनल पर विज़िट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बजा देना, क्योंकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।